आज हमारे किचन में बनने वाले हैं सुपर क्रिस्पी बहुत ही यमी से पालक के पकौड़े। पालक के पकौड़े बहुत से तरीक़ों से बनाए जा सकते हैं, बट जिस तरीके से हम आज बनाने वाले हैं इसे बनाना बहुत ही ईजी है। इसके लिए हमें कोई भी कटिंग नहीं करनी, कोई चॉपिंग नहीं करनी, बस एक यमी सा बैटर तैयार करना है, पालक के पत्ते उसमें डिप करने हैं और 10 मिनट में आप पूरे घर वालों के लिए पालक के पकौड़े बना लेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ निखत, वेलकम टू कुक विथ निकसाज। चलिए इंग्रेडिएंट की लिस्ट देखते हैं, फिर अपनी यमी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इंग्रेडिएंट की ये लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। पालक के पकौड़े बनाने के लिए हम सबसे पहले एक बैटर तैयार कर लेते हैं। इसके लिए हमने यहाँ लिया है 1 कप बेसन, साथ में लिया है 1/4 कप चावल का आटा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप 1 चम्मच गरम तेल ले लें। इसके बाद हम थोड़ा सा पानी ऐड करते हैं और एक थिक बैटर तैयार कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाते हैं और एक थिक बैटर तैयार कर लेते हैं। अगर आपका बैटर पतला हो जाए तो पालक में वो अच्छी तरह चिपकेगा नहीं, तो हमें मेक श्योर करना है कि यहाँ पे हमारा बैटर थिक ही हो। अगर आपका बैटर पतला हो गया है तो आप उसमें थोड़ा सा बेसन या फिर थोड़ा सा चावल का आटा ऐड कर दें। अब हमारा बैटर तैयार हो गया है। इसमें हम डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च अपने पकौड़ों को चटपटा बनाने के लिए, साथ में हम डाल देते हैं 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और साथ में हमने डाला है 1/2 छोटा चम्मच जीरा और यहाँ पे हम डाल देते हैं नमक। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब हम इसे एक बार और अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हमारा बैटर अब पूरी तरह से रेडी है। अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। इसके लिए एक पैन में हमने ऑयल लिया है डीप फ्राई करने के लिए और साथ में यहाँ मैंने लिए हैं 10 से 12 पालक के पत्ते जिन्हें मैंने अच्छी तरह से धो के सुखा लिया था। अब हम पालक का एक पत्ता लेते हैं, उसे बैटर में अच्छी तरह से कोट कर लेते हैं और एक्स्ट्रा इस तरह से निकाल लेते हैं और तेल में फाइनली इसे तलने के लिए डाल देते हैं। हमें इस टाइम पे अपने तेल का टेम्परेचर मीडियम हॉट ही रखना है। अगर ज़्यादा गर्म होगा तो हमारे तेल में डालते ही ये पकौड़े काले हो जाएंगे और वो खाने और देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो हमें मेक श्योर करना है तेल ज़्यादा गर्म भी ना हो और बहुत ठंडा भी ना हो। अब हम अपने पालक के पकौड़ों को दोनों साइड से क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन होने तक पका लेते हैं। क्योंकि पालक को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, इसलिए ये पकौड़े भी बहुत जल्दी बन जाएंगे। तो मुझे यहाँ पे लगे हैं 3 से 4 मिनट और 3 से 4 मिनट बाद मेरे पकौड़े बनके तैयार हो गए थे। अब हम एक पेपर टॉवल लेते हैं और उसमें अपने पकौड़े निकाल लेते हैं। देखा आपने कितनी जल्दी झटपट से ये हमारे यम्मी क्रिस्पी से पकौड़े बनके तैयार हो गए। अब हम इसी तरह से बाकी बचे हुए पालक के पत्तों को भी बैटर में डिप करके अपने पकौड़े बना लेते हैं। तो अब हम इसे एक सर्विंग प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ऊपर से हम डाल देते हैं 1 छोटा सा पिंच रेड चिली पाउडर का और साथ में हम डाल रहे हैं यहाँ पे चाट मसाला जो इसके और भी चटपटा बना देगा। और अब हमारे गर्मा गर्म क्रंची से पालक के पकौड़े सर्विंग के लिए तैयार हैं। इसे बनाने में मुझे लगे हैं हार्डली 15 मिनट। इसका मतलब ये है कि ये बहुत ही ईजली बनने वाला एक स्नैक है। आई होप मेरी ये क्विक सी पालक पकौड़े की रेसिपी आपको अच्छी लगी हो। अगर मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।
मिलते हैं एक और रेसिपी के साथ। टिल देन बी हैप्पी, हैप्पी कुकिंग, बाय बाय।